प्रदेश के विशाखापट्टनम में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीसीपी सुरेश बाबू ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्रेन में लगभग 30 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन हादसे में लोगों के मारे जाने की खबर से दुख पहुंचा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रेन में 30 लोग सवार थे। मैं भगवान से सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूं।